कि जिन सोयरों को छोड़ा गया था जंगल में उनका शिकार कुत्तों ने कर लिया। क्यों कर लिया कुत्तों ने शिकार? क्योंकि जो शेर पिंजरे में थे वो अपना शिकार करना भूल गए, वो अपना नेचर भूल गए। सब लोग, जितने भी लोग हैं, मैं मिलता हूँ सब लोग IAS PCI डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाना चाहते हैं, मगर नेता कोई नहीं बनाना चाहता अपने बच्चों को। हम सिर्फ हिंदू जब हैं, जब उनको वोट लेना होता है या मुसलमानों के प्रति लड़ाना होता है। जब तक आप डर को नहीं निकालेंगे, जब तक आप शुद्ध नहीं बन सकते, और जब तक आप शुद्ध नहीं बन सकते आप बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। देखिए, जैसा कि टॉपिक है कि बुद्ध हमको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, वो अपना पूरे जीवन का अनुभव आपको बताएंगे। पर जितना मैंने समझा है, धम्म को समझा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझा है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बुद्ध बनने के लिए या बौद्धिष्ट बनने के लिए आपको शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लेकर चल रहे हैं, कोई इतना प्राउड ही है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कोई इतना प्राउड कर रहा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कोई इतना बोझ लेकर चल रहा है कि मेरे अंदर इतने ज़्यादा ज्ञान है या इतना ज़्यादा कुछ है। तो जब तक हम चीज़ों को नहीं निकालेंगे, जब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर इतनी घृणा है लोगों के प्रति, एक दूसरे को देखकर हम नफरत करते हैं परिवार में भी, तो कैसे हम बुद्ध के रास्ते पर चल सकते हैं? बुद्ध के लिए तो शुद्ध बनना पड़ेगा पहले, और जब हम शुद्ध बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हमें चिंतन होता है, और चिंतन होने के बाद में हमें बुद्ध की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। हम कहते तो हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दिया। आप जाना, पूरे शहर के अंदर जाना, अपनी बस्तियों में जाना, आप देखना कि कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्ण रूप से मानते हैं। कहते तो हैं कि हम फॉलोवर हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, मगर जब आती है बात पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म की, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि डर है उनके अंदर। जब तक आप डर को नहीं निकालेंगे, जब तक आप शुद्ध नहीं बन सकते, और जब तक आप शुद्ध नहीं बन सकते आप बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। आपको लगता है कि यहाँ बुद्ध का कुछ काम हो रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी के द्वारा बुद्ध का काम हो रहा है? जब अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो बुद्ध का काम हुआ। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, बुद्ध सर्किट बना, गौतम बुद्ध बना, बहुत सारे जिले बनाए। आपने देखा कि बुद्ध के रास्ते पर चलना कितना कठिन काम है, मगर उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ से है, हमने आंदोलन भी बहुत करे हैं, डॉक्टर साहब आंदोलन करते हैं, सब लोग आंदोलन करते हैं, उनको आंदोलन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपके किसी चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा फर्क किससे पड़ता है कि हम बौद्धिस्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। जब 50 लोग भी बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके जो उनके शुभचिंतक लोग हैं, जिनको मैं क्रैक टीम बोलता हूँ, वो लोग जागरूक हो जाते हैं, आपके घर जाते हैं, क्या रखा है, आप तो अपने भाई हो, आप तो हिंदू हो ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं कुछ मत में। आपको समझना पड़ेगा, अगर हम हिंदू होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं लेते जो 14 अक्टूबर 1956 को लिया था। क्या लेते बताइए आप लोग? हम सिर्फ हिंदू जब हैं, जब उनको वोट लेना होता है या मुसलमानों के प्रति लड़ाना होता है, उनको हम हिंदू बता देते हैं। तो जो लड़ाने की राजनीति है उनको, हम लोगों को वो समझना पड़ेगा। आप लोगों को कानून के माध्यम से वो लोग हम लोगों पर जो शिकंजा कच रहे हैं, या अपने राज के माध्यम से जो उनका राज चल रहा है उनके माध्यम से जो हम पर शिकंजा कस रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, वो हमको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैडम ने बोला कि एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, एजुकेशन इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है? अगर इंसान के अंदर से, उसके जीवन से एजुकेशन निकाल दीजिए, कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए अपने बच्चों को अगर तुम बनाना चाहते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा, तो एजुकेशन प्राप्त करो। आप इंडिया में तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, आप विदेश भी जाकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप क्यों नहीं भेजना चाहते विदेश अपने बच्चों को? आप क्यों नहीं बनाना चाहते IAS अपने बच्चों को, PCI डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील? बनाओ अपने बच्चों को। और मैंने देखा है, सब लोग, जितने भी लोग हैं, मैं मिलता हूँ सब लोग IAS PCI डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाना चाहते हैं, मगर नेता कोई नहीं बनाना चाहता अपने बच्चों को। जो नेतृत्व करे समाज का, चाहे धार्मिक नेतृत्व हो, चाहे सोशली नेतृत्व हो, चाहे पॉलिटिकल नेतृत्व हो, कौन करेगा? हम एक आदमी के पीछे हो जाते हैं,
एक आदमी की लिमिट होती है, 60 साल 70 साल जी सकता है, नेचर है 70 साल जीता सबको आना है, शमशान घाट में सब लोगों को जाना है, सब लोगों 70 साल में 75 साल में चले जाएंगे अपना काम काम करके। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि तुझे तो यहाँ आना ही था, पर सारी जिंदगी गुजर गई आते आते, दुनिया वालों ने तुझे क्या दिया, अपनों ने जला दिया जाते जाते। तो सब लोगों को समझना पड़ेगा, आपको जीवन को समझना पड़ेगा, और जब तुम बुद्ध के रास्ते पर आओगे तो आप जीवन भी समझेंगे, आप अपना उद्देश्य भी समझेंगे। जिस व्यक्ति के पास कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है उसका जीवन बेकार है। अपना उद्देश्य बनाइए, और जो व्यक्ति उद्देश्य नहीं बनाता है तो वो कैसे, वो तो समुद्र में जैसे छोड़ दिया किसी ने, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, ऐसा जीवन हो जाता है। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको एक लक्ष्य देकर गए हैं, और उस लक्ष्य पर अगर काम करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, सारे महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो आपको जीवन का रास्ता मिलेगा। दूसरे लोग आपको भटकाएंगे, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास संसाधन है, वो आपको हर जगह लेकर जाएंगे, मगर आपको शुद्धि का रास्ता नहीं बताएंगे, आपको कैसे आपको शुद्ध बनना है, कैसे आपको मुक्ति का मार्ग मिलना है। अगर मुक्ति का मार्ग कहीं मिल सकता है तो बुद्ध के रास्ते पर मिल सकता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर मिल सकता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी बाहर निकल आइए, बच्चों को भी लेकर आइए, क्योंकि एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात को रखूँगा, क्योंकि 5 मिनट मिल गए। कि एक बार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि देश के अंदर जितने भी सर्कस हैं सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब जो जानवर हैं वहाँ पर एनिमल एक्ट बनाया तो उन पर आप एट्रोसिटीज करते हैं, तो वो सब बंद कर दिया जाए, तो सबको सर्कस बंद करने पड़े, और उनके जो जानवर थे वो जंगल में छोड़ने पड़े, शेर भी छोड़ने पड़े। कुछ दिन के बाद अखबार में लिखा आया कि जिन शेरों को छोड़ा गया था जंगल में, उनका शिकार कुत्तों ने कर लिया। क्यों कर लिया कुत्तों ने शिकार? क्योंकि जो शेर पिंजरे में थे वो अपना शिकार करना भूल गए, वो अपना नेचर भूल गए, और जो कुत्ते थे वो डेली शिकार करते थे, वो निपुण हो गए शिकार करने में। इसलिए अगर अपने बच्चों को तुम अंदर ही रखोगे तो वो भी पिंजरे के लोग हो जाएंगे, वो बाहर ने दुनियादारी को नहीं समझ पाएंगे। आप अपने बच्चों को निकालें, ट्रेनिंग सेंटर है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं सेंटर करेंगे बच्चों को, आप ऐसे लोगों के विचारों को नहीं सुनवाएंगे अपने बच्चों को, तो कैसे समझेंगे कि वो दुनिया की जो इतनी तकड़ी ये प्लानिंग बना रही है उसको कैसे काट के आगे जा सकते हैं, चक्रव्यूह को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को IAS तो बनाइए, अपने बच्चों को PCS तो बनाइए, डॉक्टर तो बनाइए, मगर सोशल इंजीनियर भी बनाइए। सोशल इंजीनियर कौन बनाएगा, कौन बनाएगा सोशल इंजीनियर? कि सब सारा काम गौरी उपासक जी करेंगे क्या, सारा काम डॉक्टर ही साहब करेंगे, भारती जी करेंगे सारा काम क्या? हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हर इंसान को लड़ना पड़ेगा, हर इंसान को लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जब ही बात बन सकती है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। अपने घर में एक एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करने की प्लानिंग कीजिए। अगर अपने घर में आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं किया तो बात बनने वाली नहीं है। ए बहुजनों, अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक काशीराम पैदा करो, घर घर में एक महन कुमारी मायावती पैदा, जब भी बात बन सकती है। समय कम है, समय की सीमा है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कभी